अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 1 शुरू करने वाले हैं और उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के टूल्स पढ़ेंगे हम, और आपको मैं समझाऊंगा भी। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलें। तो सबसे पहले आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा देखने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ से डन, जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास एडोब एलिस्ट्रेटर सीसी 2014 का है, तो सिंपली मेरे पास ये आता है। आपके पास आता तो आप यहाँ से डन कर लिएगा। और ये होता है हमारा एलिस्ट्रेटर का इंटरफेस, सबसे पहला वाला। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ और इसको, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ कुछ बनाना है, जैसे कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे, तो सिंपली आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी होगी न्यू। और उसके लिए आपको बना के भी दिखाऊंगा, कुछ सिखाना है तो फाइल बनाना पड़ेगी। तो लेकिन अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ फाइल किस तरीके से बनती है। सिंपली यहाँ पे आपको दिखा सबसे ऊपर फाइल का फोल्डर, फाइल लिखा हुआ सबसे ऊपर, आई ए आई लिखा हुआ, उसके बराबर के अंदर लिखा हुआ फाइल। फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड वाला, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको न्यू, न्यू के बराबर में लिखा हुआ कंट्रोल एन। ये क्या होता है, जिस जिसके बराबर में लिखी हुई है, जैसे इन तीनों के बराबर में ये लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये इसकी शॉर्ट की है। मतलब आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन कर दोगे तो न्यू पे आ जाओगे आप खुद। सिंपली मैं यहाँ से अगर ऐसे क्लिक करता हूँ, सिंपली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। आप सिंपली यहाँ से अपना नाम दे सकते हैं और यहाँ से कस्टम के अंदर जो आपको चाहिए, पॉइंट प्रिंट चाहिए, वेब चाहिए, डिवाइस चाहिए, वीडियो एंड फिल्म चाहिए, बेसिक RGB चाहिए। मैं सिर्फ कस्टम रखता हूँ, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ आर्टबोर्ड नंबर, मतलब आपको जितने आर्टबोर्ड चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे 4 चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4। अगर आपको 4 नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी इसके बढ़ा सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको डिलीट करके अपने कीबोर्ड से, जैसे मैं रख देता हूँ 4 भी रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा कि आपको कितने एंगल के अंदर चाहिए, सही है। यहाँ से आप कुछ भी रख सकते हैं। और सिंपली यहाँ से आपको बता रहा कॉलम्स कितने चाहिए, आप कॉलम्स भी यहाँ से दे सकते हैं। और ये है हमारा कुछ अलग, यहाँ से आप बताएंगे इसकी हाइट और वेट, वेट और हाइट बताएंगे। इसके अंदर आप पॉइंट दे सकते हैं, जैसे पॉइंट पॉइंट्स है, इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, पिक्सल है और बहुत कुछ। और यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 4 आर्टबोर्ड आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 4 आर्टबोर्ड मांगे थे तो 4 ही आएंगे। अगर आप 10 मांगेंगे तो आपके पास ऐसी 10 आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली क्रॉस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कोने पे, जो आपकी ये जो क्लास 1 के बराबर बाद एंड में जो आपको क्रॉस दिख रहा है, आप उस पर लेके जाएंगे तो आपको बता रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा वापसी हो जाएगा। सिंपली अब आप फाइल करने जाएं, कंट्रोल एन करें, बात एक ही है। मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ और यहाँ से लेटर नहीं A4 साइज ले लेता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 चाहिए। और यहाँ से सिंपली, और एक और चीज़, अगर आपको पतला चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको मोटा चाहिए तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये उल्टा है। पतले वाले पे क्लिक करेंगे तो मोटा आएगा, मोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो पतला आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिंपली ओके कर लेता हूँ, मेरे पास शायद मोटा है, पतला आ गया, ठीक है। तो सिंपली अब आपको दिख रहा है कुछ ऐसा इंटरफेस, आपके पास सब कुछ खुल चुका है। ये भी खुल चुका है, ये आपका बनता, ये क्यों खुल गया, पहले हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। और अब आपको मैं सिखाऊंगा मूव टूल, मूव टूल क्या होता है, सिलेक्शन टूल क्या होता है। वैसे इसका नाम सिलेक्शन टूल है, लेकिन मैं इसको मूव टूल कहता हूँ। आप सिलेक्शन टूल कहना चाहें तो सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, वैसे इसका नाम ही सिलेक्शन टूल है। तो सिंपली अगर मुझे कुछ सिलेक्शन करनी होगी तो उसके लिए मुझे कुछ बनाना तो पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टूल, और इसके बराबर अगर आप ऐसे रखेंगे माउस को थोड़ी देर, तो आप इसके पास ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा, देखिए ऐसा,
स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल टूल्स एम, ब्रैकेट करना लिखा हुआ आ रहा है एम। अगर आप सिंपली एम क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल टूल पे आ जाएगी और इसके नीचे जो वो दिख रहा है ना आपको छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है उसको पता है क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना तो आपके पास इतने सारे टूल आ जाएंगे जिसके बराबर के अंदर ये लगा हुआ है, इसके बराबर में ये लगा हुआ है जैसे इसके बराबर में भी है। आप इस पर राइट क्लिक करो और इसमें भी इतने सारे हैं, इस पर क्लिक करो इसमें भी इतने सारे हैं, इसमें क्लिक करो इसमें भी हैं, हर चीज़ के अंदर होंगे। जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा ये आएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं पर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो सिंपली ये सारी के सारी टूल्स हैं और सब टूल का अलग अलग काम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आप जो शेप देना चाहें दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अंडू किससे होता है, जैसे आपका ये प्रोजेक्ट है और ये आपने गलती से डिलीट का बटन दबा दिया तो आपका ये डिलीट हो गया। आप बोलेंगे अबे यार मैंने तो इतनी मुश्किलों से बनाया था ये डिलीट कैसे हो गया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसके अंदर सिंपली कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वापसी आ जाएगा। जितनी दफ़ा आप जितना आपका जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट भी डिलीट कर दिया और ये भी कर दिया, अब आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये भी वापसी आ जाएगा और ये भी वापसी आ जाएगा। एक दफ़ा कंट्रोल जेड करेंगे तो एक ही चीज़ आएगी, अगर आपको सारी चाहिए तो आप कंट्रोल जेड 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 करते रहें, ठीक है। तो सिंपली अब आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, अब आपको रेक्टेंगल नहीं बनाना स्क्वायर बनाना, तो स्क्वायर किस चीज से बनाएंगे, सिंपली आप शिफ्ट के साथ इसको नीचे लेके जाएं तो ये जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे जितना बड़ा छोटा करेंगे ये सारी लाइनें इसकी एक जैसी होंगी, ठीक है। जैसे मैंने ये बना लिया, अब आपको सिखाना है मुझे मूव टूल क्या काम करती है। जैसे आपने ये मूव जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल ही लिया हुआ है और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले हम, अभी मैंने V दबाया ताकि हमारी मूव टूल आ जाए और इसकी सिलेक्शन टूल की जो शॉर्ट की है वो V है, देख ले आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोने पे इसके। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे मूव टूल होती है सिलेक्शन टूल होती है सिलेक्ट करने के लिए और इसी को मूव टूल भी कहते हैं, ये होती है मूव भी करवा लेती है और इसकी सिलेक्शन भी हो जाती है और भी बहुत से काम है। सिंपली आप पहले देख लीजिए, आपको दो काम तो मैंने आपको बता दिए कि ये मूव भी होती है और सिलेक्शन भी करती है। और अब तीसरा काम जो है आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, जो आपको साइज चाहिए आप वो दे सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक जो आपके कोने पे जो डॉट दिए हुए कोने कोने पे स्क्वायर के जो कोने कोने पे दिए हुए और बीच पे भी दिए हुए दो, यहाँ पे भी दो हैं और यहाँ पे भी दो हैं और यहाँ पे भी दो हैं यहाँ पे भी दो हैं, मतलब छः तीन इधर हैं दो इधर है और दो तीन इधर है और एक जो बीच में ये होता है सेंटर, इसका जो बीच के अंदर डॉट होता है वो होता है सेंटर, आप इसको पकड़ के कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो सिंपली आप इतना तो जान गए होंगे कि मूव और सिलेक्शन क्या होता है और अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि इसका साइज कैसे चेंज होता है। आप सिंपली यहाँ पे कोने पे अगर आप लेके जाएंगे देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे कोने पे लेके जाएंगे ना तो आपको ऐसा कुछ तीर बना हुआ दिखेगा, सही है ना, तीर या फिर एंगल जो आप दिल चाहे वो कह सकते हैं, और इसका मतलब है आप इससे साइज चेंज कर सकते हैं। अगर मैं माउस से इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा तो इसका ऐसा साइज हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए यार स्क्वायर ही रहे बस साइज इसका चेंज हो जाए छोटा हो जाए, तो आप कंट्रोल जेड कर दें अंडू करें और यहाँ से शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा करवाएं। शिफ्ट से क्या होगा साइज आपका छोटा हो जाएगा लेकिन जैसा स्क्वायर बनाना था आपको वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। और आप इससे इसकी कॉपी भी ले सकते हैं सिलेक्शन टूल से, ऑल्ट क्लिक करें और इसको ट्रैक करवा दें कहीं पे भी, अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और आपको इसको बिल्कुल बराबर में रखनी है तो सबसे पहले आपको क्या व्यू में जाएंगे, ये आ गए स्मार्ट गाइड्स, इससे क्या होगा देखें अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जैसे मेरी ये ऑफ हो गई है, सही है ना, आपको दिख रहा है ये मेरी ऑफ हो चुकी है। तो अगर अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मुझे कुछ भी नहीं बता रही यार कि शिफ्ट के साथ भी करूँगा तब भी ये कुछ भी नहीं देगी मुझे, तो सिंपली आप अपनी स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको हेल्पफुल हो सकती है। कंट्रोल
यू क्लिक करें और ये स्मार्ट गाइड्स मिल जाएंगी आपकी, स्मार्ट गाइड्स का पैटर्न जो भी है। सिंपली अब आप इसको समझ गए कि आप इससे कॉपी कैसे ले सकते हैं, ऑल्ट एंड। और अगर आपको इसको बिल्कुल सीधी लेनी है, जैसे आपको यहाँ कहीं भी नहीं रखनी है, इसके बिल्कुल साथ लेनी है, तो आप शिफ्ट दबाएं और इसको आगे ले जाएं। जहाँ पे भी लेके जाएंगे ये बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। अब आप समझ गए मूव टूल से कॉपी कैसे लेते हैं, सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे करवा सकते हैं, इसका साइज चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम, मैं दो प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, सबके डिलीट से सिलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल जेड करके आपको वापसी दिखा देता हूँ। सिलेक्शन टूल ली है मैंने और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा इस तरीके से, सही है ना। अगर आप ये भी करेंगे, इस पर भी लेके जाएंगे, तो ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखें, ठीक है ना। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो करने हैं, तो आप सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे सिर्फ डिलीट कर दें। आपके पास बचा है अब ये, और यार अब आप देखें, अब आपका ना यहाँ पे है जैसे प्रोजेक्ट और आप है यहाँ पे, तो अब बोल लें यार मेरा प्रोजेक्ट यहाँ है, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, तो सिंपली आप मूव भी करवा सकते हैं, सही है ना। और अगर आपको आर्टबोर्ड नीचे करना है और ऊपर का देखना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, हैंड टूल एच, इसकी शॉर्ट की है। सिंपली मैं देखें अभी लिया हुआ नहीं है, मैं कीबोर्ड से एच क्लिक करूँगा तो हैंड टूल खुद ब खुद आ जाएगा। और इससे आप स्पेस बार जो है वो दबाओ और इसको ये जो लेफ्ट साइड वाला बटन है माउस का, इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करो, तो ये ऊपर का सारा आ चुका है। और एक चीज़ और, अब आप इसको लिए बगैर भी कर सकते हैं, किस तरीके से, वापसी स्पेस बार दबाएं और यही माउस का लेफ्ट साइड वाला जहाँ से भी आपको देखना है वहाँ लेके जाएं, तो वहाँ से आपको ये दिखा देगा, ठीक है। आपको अब आर्टबोर्ड भी सही से करना आ गया, जैसे भी मैंने समझाया आपको। और अगर आपको, अब मैं समझा देता हूँ दोस्ती, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है और सिलेक्शन टूल क्या है, यार सिंपली सिलेक्शन टूल भी वो है जो सिलेक्शन करती है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है सिलेक्शन करती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल। क्या सिंपली मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपका साइज वो जूम होगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट होगा, ठीक है ना। आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो है मुझे इसके अंदर जो है ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर अगर देखे आप सिंपली, अब यार आप बोल रहे हैं यार ये ना थोड़ा सा ना नीचे करना मुझे, लेकिन ये ना हो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन नीचे हो जाए, ठीक है। ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ नीचे यहाँ तक आ जाए, और ये कुछ भी ये वाली लाइन हिले तक नहीं, तो सिंपली आप ऐसे करके इसको सिलेक्शन करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है ना। इसको सिलेक्शन करने के बाद ये जो आपके पास कोने पे जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसको आप नीचे लेके आ जाए शिफ्ट के साथ, सही है ना। इसको आप नीचे लेके आएंगे और आपको देखें इस तरीके से हो चुका है, और ये पॉइंट जो ऊपर था वो सेंटर में आ चुका, मतलब ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट होता है, सही है ना। और अगर आपको चाहिए यार, आप बोल रहे यार ये जो कॉर्नर है ना, यार मुझे स्मूथ चाहिए, कॉर्नर्स नहीं चाहिए लेकिन थोड़े से राउंड हो, तो राउंड सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को करना है आपको अगर, तो इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करें, जो पॉइंट आप करना है, जैसे मेरे को पूरा करना है तो पूरा सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। किस तरीके से, आप यहाँ पे माउस लेके जाएं और ये जो आपका फिंगर है ये वाली, जहाँ पे आप माउस के ऊपर रखते हैं सिंपली लेफ्ट साइड वाले हैंड पे, तो वहाँ से आप क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करवाएं, तो आपके पास ऐसी डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है, तो मतलब इसका सिलेक्शन आपकी हो रही है। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सिंपली अब आपको ये जो नीचे जो दिख रहे हैं ना इसके, कंट्रोल प्लस करके दिखा देता हूँ क्या होता है, कंट्रोल प्लस से जूम, और अब आपको दिख रहा है ये जो डॉट है, सिंपली ये डॉट आपको दिख रहा होगा, डॉट है और उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ छोटा सा बिल्कुल, अगर आप इसको पकड़ के आप नीचे करोगे तो ये सब जगह से आप देख सकते हो जो जो मेरी चीज़ें सिलेक्ट हैं, सारे जो जो मेरे डॉट सिलेक्ट हैं, इसके अंदर सिंपली चार डॉट हैं, एक इस कोने पे, एक उस कोने पे, एक नीचे और एक इस पे,
ठीक है, अगर आप इसको नीचे की तरफ करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, राउंड हो जाएगा। अगर आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लें जैसे और इसको वापसी ऊपर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वापसी लग जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का थोड़ा सा इंट्रो समझ गए होंगे, लेकिन अब एक और चीज़ है, हमने बताया कि आप सिलेक्शन टूल से कॉपी ले सकते हो, किस तरीके से इसको पकड़ा आपने यहाँ से और ऑल्ट के साथ आप नीचे करवा सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, आप यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे तो भी एक आपके पास कॉपी आ जाएगी, ठीक है। एक और कॉपी का पार्ट बता देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, यहाँ से भी एक आपकी कॉपी आ जाएगी, लेकिन अगर आप कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करेंगे तो इसी के ऊपर आएगी। और अगर आपको ये शॉर्ट की नहीं पता तो आप सिंपली फाइल के अंदर जाएँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी, नहीं एडिट में जाएँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी, सही है, इसकी ये जो आप मेरा सिलेक्ट है मैं इसकी करना चाह रहा हूँ कॉपी, तो आप सिंपली कंट्रोल सी आपको दिया गया है यहाँ पे, अगर आपको कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे भी आगे कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया क्लिक कॉपी पे, ठीक है। अब ये मेरा हट गया और अब मैं इसको कर लूँगा पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट एंड प्रिंट करना है या फिर पेस्ट सिंपली पेस्ट कंट्रोल वी करेंगे तो ये थोड़ा सा दूर आएगी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, और कंट्रोल एफ करेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी। मैं कंट्रोल वी करूँगा, इसको सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ से कॉपी सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ से पेस्ट, ठीक है ये आ चुकी है हमारी एक कॉपी। अब ये क्या बताया मैंने आपको, देखें अब ये सारी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कैसे होगी, डिलीट कैसे होगी आप बता चुका हूँ, सिलेक्शन करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मूव करवा के मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। एंड कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपका जूम होगा। और सिंपली अब मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल तो बता दी, लेकिन एक डिटेल और बता देता हूँ, आप इससे कॉपी भी ले सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके से ऑल्ट के साथ कॉपी आ सकती है, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी आ सकती है, जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे ऑल्ट के साथ वहाँ पे आपकी कॉपियाँ क्रिएट होते रहेंगी, ठीक है। ऑल्ट के अगर आप ऑल्ट छोड़ देंगे और इसको सिंपली मूव करवाएंगे तो ये मूव होता रहेगा। और एक बात और समझ लें, आपको अगर ये मूव करवानी है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो सारे पॉइंट इसके सिलेक्ट करना पड़ेंगे, पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सिंपली मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ, देखे मैंने इसको डिलीट करा, नीचे नीचे का ऊपर ऊपर का रह गया था तो ये अभी भी ब्रेक गया, मैं इसको तो सिंपली अगर आप ये पूरा सिलेक्ट करेंगे तभी आपका ये मूव हो सकता है। और अगर आपने जैसे कि ये वाला सिलेक्ट करा हुआ है और आप इसको मूव करवा रहे हो तो ये देखें शेप इसका ख़राब हो सकता है, हो जाए तो आप कंट्रोल जेड कर लिएगा, अंडू हो जाएगा वापसी इस तरीके से। और सिंपली आप अगर पूरा सिलेक्ट करके इसको करवाएंगे मूव तो आपका मूव हो जाएगा। आपको अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी समझ में आ गया होगा। अब है हमारा मैजिक टूल, लेकिन मैं इसके अंदर देख लेता हूँ पहले हमारे को कौन कौन से टूल दी गई हैं। यह है ग्रुप सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या होता है आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। अब है हमारा मैजिक टूल, सही है। मैजिक टूल क्या करता है, सबसे पहले मेरे को इसको आपको सिखाने के लिए एक छोटा सा तो बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो सिंपली कंट्रोल प्लस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस से क्या होता है जूम, तो मैं अगर मैं शिफ्ट के साथ एक बना लेता हूँ इस तरीके का स्क्वायर, और इसके ना कलर में दे देता हूँ ब्लैक। अब आप बोलेंगे कलर कहाँ से होता है, सिंपली यहाँ से होता है कलर। अगर आपको ये नहीं करना और जिस चीज़ के अंदर आपको कलर करना है आपका वो प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट होना चाहिए तो ही कलर होगा, वरना फिर नहीं हो सकता। तो सिंपली आप यहाँ से भी कलर दे सकते हैं कोई सा भी, जैसे मैं ये दे दूँ। और अगर आपको यहाँ पे नहीं देना तो आप यहाँ पे भी एक देख सकते हैं कलर का आपके पास पैनल दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कलर खुल जाएगा। तो कलर का पैनल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, तो सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ से अपना कलर एक कोई भी दे दिया है, ठीक है। कलर देने के बाद आप सिंपली कॉपियाँ लेंगे, किस तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे कॉपियाँ ले सकते हैं। सिंपली ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेंटर में आएगी,
एक कॉपी ले ले, अगर आपको बहुत सारी चाहिए ना, बहुत सारी चाहिए, सिर्फ एक कॉपी ले ले इसके बराबर में, और इतना ही गैप और इतना ही डिस्टेंस, इतना ही सब कुछ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, कंट्रोल डी ऐसे करते रहें, जितनी आपको चाहिए उतनी आप लें, और बाद में क्या करें, सिलेक्ट करें पूरी को, और इसी को मुझे नीचे भी चाहिए, नीचे भी कॉपियाँ चाहिए, तो सिर्फ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ में इसको नीचे ले लूँगा। तो सिंपली आप पहले सिलेक्ट करें और इसको नीचे की तरफ मूव करवाएं, फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट क्लिक कर दें और इसको छोड़ दें। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए, पहले आप इसको नीचे लेके जाएं सिलेक्ट करके, एंड शिफ्ट क्लिक करें और ऑल्ट क्लिक कर दें, और माउस का बटन जो है वो छोड़ दें, और ये कीबोर्ड भी आप छोड़ दें, कीबोर्ड के जो बटन थे वो भी मैंने छोड़ दिए। तो अब क्या करना है, ये सिलेक्ट रहा है आपका, आप इसको कुछ अंडू नहीं करिएगा, कोई सिलेक्शन इसकी रिलीज नहीं करिएगा, और कंट्रोल डी कर दिएगा, और ये आपकी आ गई कॉपियाँ। एक और ले लेते हैं कंट्रोल डी से, देखें ये बन चुका है हमारा डिज़ाइन। अब हमें जो मैजिक टूल है उसके बारे में थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। देखें सिंपली मैजिक टूल क्या करता है, मैजिक टूल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप जो प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे भी कलर, जैसे मेरे पास ना ये सब में एक कलर है, ठीक है ना, अगर मैं मैजिक टूल लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, देखिए सबके सब हो गए, क्यों एक कलर ही एक जैसा है ना, अगर आप सबके अंदर कलर अलग अलग कर दें, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला चाहिए मुझे, शिफ्ट के साथ आप जितने सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ मैं देख लें, शिफ्ट का बटन मैंने क्लिक करा, एंड जो मेरे को चाहिए मैं उस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, देख लें ये मेरे को चाहिए, मैं सब पे क्लिक कर लिया, और यहाँ से सिंपली मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर वाले पैनल पे आप किस तरीके से आएंगे ये भी समझ लीजिए, कलर वाले पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये होता है फिल और ये होता है स्ट्रोक, सही है, स्ट्रोक क्या होता है आउटलाइन, फिल क्या होता है इसके अंदर जो आप कलर करना चाहें वो होता है, तो सिंपली आप कलर पे डबल क्लिक करें, फिल पे मतलब, और यहाँ से आप इसका कोई भी कलर दे दें, जैसे मैंने ये दे दिया और ये हो चुका है थोड़ा सा अलग। अब आप बोल ले यार ये तो सारा सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसको मूव ही करवाए जा रहा हूँ, अब इसको मैं सिलेक्शन हटाऊंगा कैसे, तो सिंपली आप यहाँ पे कहीं पे भी बाहर इसके क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन हट जाएगी, जैसे कंट्रोल जेड में करता हूँ, ये मेरी सिलेक्शन है और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और मैंने बाहर इसके क्लिक कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारी सिलेक्शन हट गई है। और अब मेरे को चाहिए यार थोड़ी सी और जो मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आप शिफ्ट के साथ और सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, तो अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आपका ये सिलेक्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो आप सिंपली अगर आपको जो जो कलर वाले चाहिए, जो कलर वाले चाहिए आप मैजिक टूल लें, सिंपली मैजिक टूल लेने के बाद आप इस वाले कलर पे अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे जितने भी आपके पास ये बॉक्स है जिसके अंदर एक जैसा कलर है इससे रिलेटेड, वो सारे आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये भी मेरा यही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस सब पे एक कलर है, अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारे अपने कलर वाले सिलेक्ट कर देगा। उम्मीद है आपको मैजिक टूल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ लासो टूल। लासो टूल क्या है अब ये भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको प्लीज मूव करवा देता हूँ, आर्ट बोर्ड थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। अब हमारा लासो टूल की जो शॉर्ट की है वो है क्यू, आप सिंपली यहाँ से क्यू दबा के लासो टूल पे पहुँच सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको कुछ शेडो या फिर ग्रेडियंट कुछ, मैंने लासो टूल से एक सिलेक्शन की थी जिसके अंदर मैंने आर्म बनाया था, जिसके अंदर मैंने ग्रेफ बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आपसे वो आपको हेल्प कर सकती है लासो टूल समझने में। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए एक एलिप्स, ठीक है, एलिप्स बना लिया मैंने कुछ इस तरीके का, और मैं इसके अंदर कलर कोई भी दे देता हूँ, जब मैं यही सही यार, और अब जो है इसको सिलेक्ट रखना है, एंड इसका जो स्ट्रोक है जो मैंने आपको भी बताया, एक होता है फिल और एक होता है स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक जो है आप नन कर दें। नन कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एक नन वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्ट्रोक गायब हो जाएगा, इसकी जो आउटलाइन है मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपकी आउटलाइन आ रही होगी, और अगर आप यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन गायब हो जाएगी, और आउटलाइन उसकी गायब होगी जिस जो प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट होगा, तो सिंपली कर दिया मैंने गायब। अब आप जाएंगे मेज टूल के अंदर, मेज टूल है यू
यू शॉर्ट की है इसकी। तो सिंपली आप इसके अंदर जाएंगे जैसे ही, तो मैं आपको इसका बाद में यार रिव्यू करवा दूंगा, लेकिन अभी सिंपली मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये कर सकता हूँ। और सिंपली मैं सबसे पहले इसके अंदर एक सेंटर के अंदर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है तो ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा देखने के लिए। और अगर मैं इसके डॉट पे, ये वाले डॉट पे क्लिक करता हूँ, डॉट पे नहीं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पाथ के ऊपर, तो यहाँ पे भी एक आ जाता है। यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा, यहाँ पे करूँगा यहाँ पे भी एक आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा। सिंपली अभी आपको मैं मैश टूल नहीं समझा रहा हूँ और अभी लासो टूल समझा रहा हूँ, तो इसको फोकस करिएगा। अब मैंने ले लिया है लासो टूल। लासो टूल से क्या होता है अब मैं आपको मैं समझा देता हूँ। ये सिलेक्शन करता है वो पॉइंट जिसको आपको डार्क करना थोड़ा सा, ठीक है, वो भी आप देख लें आप। अब आप देखें सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से आप इसके सिलेक्ट करेंगे किस तरीके से, देखें माउस कंट्रोल जेड माउस है, उसको आप जो लेफ्ट साइड वाली फिंगर जिसके ऊपर आपने रखे हुए उसको क्लिक करके रखें और इस तरीके से शेप दें। उस शेप देंगे आपके पास लाइन चलती भी आ रही होगी जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे। तो एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं हम। एक चीज मैंने नहीं बनाई, यहाँ पे एक और लाइन बनी हुई थी, दो लाइनें बनी हुई थी वो मिट गई है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे भी मैंने ये बना ली लाइन है, और अब हम लेंगे लासो टूल और कुछ इस तरीके से इसका कर देंगे, इसको कर देंगे। आपको मैंने बताया कौन से फिंगर से करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आपकी माउस के ऊपर फिंगर रखी होती है आप उससे कर सकते हैं। सिंपली आप जैसे यहाँ तक पहुँचते हैं आप यहाँ से नहीं मिलाइएगा, सिंपली आप इसको वापसी लेके जाएं, बाहर बाहर लेके जा सकते हैं आप, लेकिन अंदर लेके जाएंगे तो खराब हो सकता है। जैसे भी सिलेक्शन करें वह आपको पॉइंट सिलेक्ट करने हैं यार, ठीक है, यहाँ से आप अब इसको मिला दें। अब आपके ये देखें बाहर बाहर के पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप क्या करें, सिंपली यहाँ से जाएं या फिर कहीं से भी जाएं, यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से जाएं ये वाले कलर वाले पैनल के अंदर, और ये जो आपके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से ले लें HSB। ये क्या है, हाई सेचुरेशन ब्राइटनेस, सही है, ये होता है आपका कलर चेंज करने के लिए। जैसे देखें ये कलर कैसा था और कैसा हो चुका है। अब सिंपली अगर आपको यहाँ से कोई भी एडजस्ट कर लिया कलर, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये लासो टूल हमारा इस काम आता है। आप देखें किस तरीके से हम कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट, तो देखें ये बन चुका है हमारा लासो टूल भी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ये हमारा लासो टूल से बनने वाला और मेश टूल से बनने वाला। अब सिंपली आगे ही क्लास में बात में लेके आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, सही है। तो अभी मिलते हैं अपने दोबारा एक और टाइटल लेके आने वाला हूँ। तो अभी अच्छी लगी आज की मेरी वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो पहली क्लास थी है हमारी, और बाद में क्लास नंबर 2 आएगी जो आप जिसके अंदर आप पेन टूल सीखेंगे, टेक्स्ट टाइप टूल, लाइन टूल, शेप टूल, और भी ज़्यादा टूल्स हैं इसके अंदर, तो वो भी आप सीखेंगे। तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।